हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी देखी थी। आज हम लोग उनका टेस्ट या चोल का स्टडी करेंगे। तो चोल क्या होता है, यानी टेस्ट क्या होता है? हमने जब हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी बताई थी तब बताया था कि हर्डमानिया का जो बॉडी थी उसके चारों ओर एक मोटी खूब लेदरिंग जो है कवरिंग थी। जैसे जैकेट हम लोग पहनते हैं ना, तो उस तरह से एक जैकेट लाइक कवरिंग थी जो उसकी रक्षा करती, रक्षा आवरण होती है, रक्षक आवरण होती है। तो वो क्या जो कवरिंग है वो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं या चोल बोलते हैं। तो आपको याद होगा हर्डमानिया में जो हर्डमानिया कैसा था, इस तरह से आपने देखा था ये ब्रैंकियल साइफन, ये एट्रियल साइफन, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे फूट था, इस तरह से ये सब फूट थे। तो यहाँ पे क्या था, अपार्चर था, ब्रैंकियल अपार्चर, और यहाँ से ये एट्रियल ब्रैंकियल साइफन था, और ये इसकी बॉडी थी, फिर ये एट्रियल साइफन था, और ये एट्रियल अपार्चर था यहाँ पे लिप से घिरा हुआ। तो ये बाहर की जो उसकी बॉडी पर जो कवरिंग थी पूरी, ये क्या कहलाती है, टेस्ट कहलाती है। और ये क्या था, फूट था। तो फूट जो है वो किसका बना होता है, टेस्ट का बना होता है, यानी चोल का बना होता है। तो फूट ही नीचे जो है, टेस्ट ही नीचे आके क्या बना लेता है, फूट बना, ये टेस्ट नीचे आके ऐसे लटक के फूट बना लेता है। और ये किसी सस्टेटम से या किसी आधार से चिपकने के लिए उसी तरह का बेस बना लेता है, यानी फूट जो है वो परिवर्तनशील होता है, और वो उसी आधार जो टेस्ट है उसका जो फूड बनाता है उसी हिसाब से अपने को बना लेता है। तो टेस्ट को और भी क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। तो ट्यूनिक जो है, क्यों इसको कहा गया ट्यूनिक, इसलिए बोला गया कि ये जो टेस्ट बना होता है इसमें एक ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, तो इसी वजह से इसको हर्डमानिया के टेस्ट को ट्यूनिक भी कहा जाता है। तो टेस्ट क्या हो गया, यानी एक रक्षात्मक आवरण है, मोटा लेदरिंग बिल्कुल, और जब इसको काटेंगे आप तो ये कैसा, जब जैसे फूट के पास जो फूट जो है वो टोटल टेस्ट का बना होता है, तो चोल का बना होता है, तो जब इसको काटेंगे तो ये सॉफ्ट, जैसे कार्टिलेजिनस वगैरह सॉफ्ट कार्टिलेजिनस कटते हैं वैसे ये कट जाएगा। तो टेस्ट क्या हो गया, शरीर के चारों ओर एक रक्षक आवरण है ये, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये और बॉडीज की सुरक्षा तो करते ही करता है एनिमल की, साथ में क्या करता है, श्वसन और ग्राही अंग यानी एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और ग्राही अंग यानी कोई चीज़ सेंसरी ऑर्गन की तरह ये सेंस को ग्रहण करते हैं। तो श्वसन और ग्राही अंगों में ये के तरह कार्य करता है, यानी उसमें हेल्प करता है श्वसन और ग्राही अंगों में। कितना मोटा होता है और कैसा होता है, तो ये अपारदर्शी होता है, और लेकिन जब ये बेबी, जब इनके बेबी होते हैं यानी जो शिशु अवस्था जब होती है तब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट होता है, एडल्ट में ये अपारदर्शी हो जाता है। तो एडल्ट में ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो बेबी होते हैं उनमें जो टेस्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और 4 से 8 सेंटीमीटर मोटा होता है, चमड़े के आकार का, यानी जैसे बिल्कुल लेदर के तरह वैसा ही मोटा एकदम चिमड़ होता है। अब भी इसमें क्योंकि बॉडी सरफेस में कभी कभी क्या है, इनके गड्ढे वड्ढे जो होते हैं थोड़े बहुत, तो उसके ऊपर ये क्या है, ऐसे लटक के यानी फोल्ड होके, फोल्ड थोड़ा थोड़ा फोल्ड हो जाता है, तो जिससे झुर्रीदार दिखाई देता है, तो देखने में जो है वो झुर्रीदार दिखाई देगा। जो फ्रेश एनिमल रहेंगे, मतलब ताज़े जो लिविंग जो जंतु हैं उनमें जो है टेस्ट में लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। तो टेस्ट जो है, टेस्ट के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के जो सिरे होते हैं वो सरफेस पे यानी उसके तल के पास जो है फूल जाते हैं, फूल के वैस्कुलर एम्पुली बना लेते हैं। ये देखिए आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, ये TSS का टेस्ट का काटा गया है, तो ये सारी ब्लड वेसल्स, पूरा ब्लड वेसल्स इस तरह से पूरी फैली हुई है, जाल बना ली है। तो इसमें जो ये ब्लड वेसल्स के जो सिरे हैं सरफेस की तरफ, वो क्या हो जाते हैं, फूल के एम्पुली बना लेते हैं। तो ये एम्पुली चूँकि इसमें ब्लड वेसल्स है, तो लाल लाल चकत्तों की तरह ये दिखाई देते हैं, हर्डमानिया पे लाल लाल ये चकत्ते दिखाई देते हैं। और ये किस कलर का हर्डमानिया होता है, पिंक कलर का,
यानी गुलाबी रंग के होते हैं, तो उसमें लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। तो ये हर्डमानिया की खास एक कैरेक्टर हो गया, लाल लाल चकत्ते हर्डमानिया पैलिडा का एक खास कैरेक्टर हो गया। और इसमें ढेर सारे बहुत सारी स्पिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारी इसमें स्पिक्यूल्स और सेल्स दिखाई देते हैं। तो ये कितना मोटा हो गया टेस्ट, यानी चोल जो है जब उसको काटेंगे तो कितना मोटा दिखेगा, 4 से 8 सेंटीमीटर मोटा होता है और चमड़े के आकार का होता है। और क्या काम करते हैं ये, एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी और रिसेप्टर ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये मेंटल की एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है। जो टेस्ट है वो कहाँ से आता है, मेंटल की जो एपिडर्मिस है उससे ये सिक्रीट होते हैं। तो ऊपर से है जो है वो निकलता जाता है और नीचे से फिर सिक्रीट होता जाता है। तो नीचे से ऊपर से निकल लेयर निकलती जाती है और नीचे से सिक्रीट होती जाती है, तो नीचे से प्रतिस्थापित यानी उसकी जगह ले लेती, ऊपर से एक लेयर निकल गई फिर नीचे से दूसरी सिक्रीट हुई और वो उसकी जगह ले लेती है। तो इस तरह से नीचे से वो सिक्रीट होते रहते हैं। फूड जो है वो केवल टेस्ट के बने होते हैं, यानी ये जो हर्डमानिया का ये फूड मैंने अभी बताया ये किसका बना होता है, सिर्फ टेस्ट का बना होता है। और जब इस फूड को काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, बिल्कुल सॉफ्ट कार्टिलेजिनस जैसे आप टिश्यू काटते हैं वैसे कट जाते हैं। फूड में बहुत से जीव चिपके रहते हैं या वास करते हैं, तो इसके फूड में या टेस्ट में दोनों में जो है बहुत सारे मोलस्क या मोलस्क के कवच या क्रस्टेशियन या एल्गी या शैवाल ये सब जो है उसमें चिपक जाते हैं या उस पर रहते हैं। कुछ शैवाल तो ऐसी है जो उसके टेस्ट के ऊपर उसके बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाती है और पूरा जो एनिमल है उसको पूरा ही ढक लेती है, तो देखने में कैसा लगता है, पूरा शैवाल गोल वीड लगती है। तो इसीलिए इसे तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं इसको अंडा पासी बोलते हैं। अंडा पासी यानी अंडे की तरह गोल और पासी वहाँ पे एक वीड होती है, तो वो गोल खरपतवार की तरह दिखते हैं, इसीलिए उसको अंडा पासी भी बोला जाता है हर्डमानिया को। तो वो सवाल जो है उस पर क्या करते हैं, पूरा ग्रो कर जाते हैं उस पर, पूरी बॉडी को उसको ढक लेते हैं, यानी उस पर बहुत सारे जीव जो है वास करते हैं। टेस्ट में जो और भी कई संरचनाएँ दिखाई देती हैं बहुत सारी, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, आपकी स्पिक्यूल्स हो गए, बहुत सारी सेल्स हो गई, कार्पल्स हो गई, ये सब उसमें टेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। जब इसका टीएस काटेंगे तो हमें ढेर सारी संरचनाएं दिखाई देंगी। तो टेस्ट जो है वो उस किसका बना होता है, टेस्ट जो है उसमें एक मैट्रिक्स होता है, वो कैसा होता है, चिपचिपा जेली जैसे। तो मैट्रिक्स जो है इसका बना होता है, तो मैट्रिक्स में कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है, मैट्रिक्स जो बना है यानी पूरा ग्राउंड टिश्यू भरण उत्तक जो है वो कैसे होते हैं, ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। और ये ट्यूनिसिन पॉलीसेक्राइड कैसा होता है, जैसे प्लांट का सेलुलोज होता है ना, प्लांट सेलुलोज जैसे ही होते हैं ट्यूनिसिन। तो किसके बने होते हैं, टेस्ट का जो मैट्रिक्स होता है वो ट्यूनिसिन पॉलीसेक्राइड कुछ प्रोटीन और कुछ खनिज लवण का बना होता है। ये देखिए आप यहाँ पे फिगर में ये देख रहे हैं, ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब जो है ये मैट्रिक्स है, ये छोटी छोटी बूंदें जो देख रहे हैं ये जेलेटिनी चिपचिपी सी क्या है, ये मैट्रिक्स है जो किसका बना हुआ है, ट्यूनिसिन पॉलीसेक्राइड का, प्रोटीन का और खनिज लवण का बना होता है। अब इसमें बहुत सारी कंटिकाएँ, स्पिक्यूल्स, कणिकाएँ, ब्लड वेसल्स, इंटरलॉकिंग फाइबर्स, ये सब किस में होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर धंसे रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। तो कॉर्पल्स हम लोग देख लें, कॉर्पल्स यानी कणिकाएँ जो हैं, कणिकाएँ इसमें जो होती हैं वो कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कणिकाएँ होती हैं। तो इन कणिकाओं की जो ओरिजिन होती है यानी कणिकाएँ जो की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल, यानी ये मीजोडर्म से बनती हैं सारी कणिकाएँ। तो कई प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, सबसे पहले कौन सी देख लें हम लोग, लार्ज इओसिनोफिलस ये कैसी होती है, बड़ी होगी और ओवल होगी, ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस होगा। तो लार्ज इओसिनोफिलस ये बड़ी होती है और ओवल होती है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इओसिनोफिलस, तो स्मॉल इओसिनोफिलस जो है
सेम वैसे ही लार्ज इओसिनोफिल की तरह ही होगी, लेकिन उसमें न्यूक्लियस जो होगा वो एक साइड में होगा, यानी ओवल ही होगी लेकिन न्यूक्लियस जो है वो साइड में होगा। एमीबॉयड सेल्स, कुछ एमीबॉयड सेल्स होती हैं उनमें भी ये अनियमित आकार की होती हैं। इस नेक सेल्स जो पाई जाती हैं वो क्या है, स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल, यानी ये सेल कैसी होंगी, अंडाकार होंगी और उसमें कैसे यानी वैक्यूल, बहुत सारे वैक्यूल दिखाई देंगे। यहाँ यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें वैक्यूल वाली होंगी, तो ये स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स होंगी। कुछ ग्रैन्यूल्स सेल्स दिखाई देते हैं, यानी कुछ मेन मेन ग्रैन्यूल सेल्स भी होती हैं। कुछ स्मॉल नर्व्स है, यानी छोटी छोटी जो है स्मॉल ये नर्व सेल्स होती हैं। ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ये इसका साइटोन बॉडी हो गई, ये एक्जॉन हो गए, ये इसके डेंड्राइट हो गए, ये साइटोन बॉडी हो गई, ये एक्जॉन है। तो छोटे छोटे जो है नर्व सेल्स दिखाई देती हैं। कुछ स्क्वामस इपिथीलियल सेल होती है, स्क्वामस इपिथीलियल सेल कहती है वो चपटी चपटी और हेक्सागोनल, ये चपटी चपटी और हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। इसमें देखिए आप तो फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारी ब्लड वैक्यूल हो गई, ये एमीबॉयड सेल्स हो गई, ये सब कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स हो गई, कुछ जो ग्रैन्यूल सेल्स हो गई, और ये सारे क्या हैं, मैट्रिक्स भरा हुआ है। अब अगर इसमें बीच में मैट्रिक्स के अंदर ये सेल हो गई, इसमें और भी महीन महीन फाइबर्स होते हैं, पेशी तंतु का जाल सा भी, पेशी तंतु की तरह जाल भी होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग फाइबर्स। तो कुछ चिकने पतले पेशी तंतु के समान महीन जाल से बने हुए इंटरलॉकिंग फाइबर्स होते हैं। और भी इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड वेसल्स कैसी होती है, ब्लड वेसल्स का पूरा जाल, यानी आपस में उनके आपस में कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल जो है, ये ऐसी नहीं कि सीधे लंबी जाकर और उसी ऑर्गन तक जाए, नहीं, आपस में सारी ब्लड वेसल जो है कनेक्ट होके क्या करेंगी, एक पूरा जाल सा फैला लेंगी, पूरे उसके बॉडी में टेस्ट के अंदर पूरा जाल सा फैला लेती हैं। और ब्लड वेसल्स के जो सिरे होते हैं वो फूल के क्या बना लेते हैं, एम्पुली बना लेते हैं, और इसी चूँकि ये एम्पुली बना लेते हैं, और ये एम्पुली जो है किससे कनेक्ट होती है, नर्व सेल से कनेक्ट होती है, तो नर्व सेल से कनेक्ट होने की वजह से ये रेस्पिरेटरी और रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करती हैं, यानी श्वसन और ग्राही अंगों की तरह ये काम करती हैं। तो ये एम्पुली क्या है, जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एंड रिसेप्टर ऑर्गन की भांति कार्य करने लगती हैं। स्पिक्यूल्स, अब इसमें कुछ आड़े टेढ़े मेढ़े क्या है, स्पिक्यूल्स यानी कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कंटिकाएं जो है वो दो तरह की होती हैं, जो कंटिकाएं हैं वो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती हैं, और दो प्रकार की होती है, एक कैसी होती है आपकी, मेगा स्केलरस और दूसरा माइक्रो स्केलरस। और स्पिक्यूल्स पे जो भी, चाहे मेगा स्केलरस हो या माइक्रो स्केलरस हो, दोनों में क्या है कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसमें स्पाइन, महीन महीन जो है स्पाइंस लगे, स्पाइंस की रिंग पाई जाती है, यानी कंटकों की रिंग पाई जाती है। ये देखिए आप इसमें डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, ये स्पिक्यूल्स है, ये भी स्पिक्यूल्स है, ये भी स्पिक्यूल्स है। तो इस पर ये देखिए, ये इस तरह से ये जो है, इस तरह से ये स्पाइन की ऐसे ऐसे रिंग लगी, ये सब देख रहे हैं, ये तो इस तरह से ऐसे स्पाइंस की रिंग गई है, और इनके जो ये स्पाइंस हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड होती है, चाहे ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, जिधर भी होगी वो यूनिडायरेक्शनल, यानी सभी स्पाइन एक ही, ये नहीं कि एक रिंग उधर मुड़ गई और दूसरी रिंग इधर मुड़ गई या तीसरी इधर उधर मुड़ गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। सभी स्पिक्यूल्स पे जो स्पाइंस लगे होते हैं उनकी डायरेक्शन एक ही साइड यानी यूनिडायरेक्शनल होती हैं, तो ये स्पाइंस हैं। तो इस पे कैसे होती हैं, रिंग्स होते हैं स्पाइंस पे, और जो दो प्रकार की होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और सभी पे महीन कंटकों यानी स्पाइन की अनेक छोटी छोटी कुछ दूरी पे रिंग पाई जाती है, जैसे यहाँ पे है, फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से रिंग्स पाई जाती है, जिसके सभी कंटक क्या है, एक ही दिशा में संकेत करते हैं, एक ही दिशा की तरफ मुड़े होते हैं। अब ये स्पिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के मैंने बताए थे, एक कैसे हो गए मेगा स्केलरस और दूसरे कैसे हो गए माइक्रो स्केलरस।
तो मेगा स्केलरस जो है वो हार्ट को छोड़ के बॉडी के सभी भाग पे पाए जाते हैं। तो ये मेगा स्केलरस कैसे हो गए, ये हार्ट को छोड़ के बॉडी के सभी भाग में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, यानी मेगा भी दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, पिपेट शेप्ड और स्पाइंडल शेप। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैसे, पिपेट शेप्ड होते हैं और स्पाइंडल शेप होते हैं। तो जो पिपेट शेप होते हैं आपने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ पे पिपेट होता है तो उसमें बीच में लंबा सा होता है और बीच में फूला रहता है। तो इसी तरह इसके जो दोनों सिरे हैं वो पॉइंटेड होते हैं और बीच में फूला हुआ होता है, देखने में जैसे लगती है पिपेट की तरह, तो इसलिए बोला गया था इसे पिपेट। तो ये देखिए, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, बीच में ये दोनों सिरे पॉइंटेड हैं, बीच में थोड़ा फूला हुआ पार्ट है, तो ये कैसी स्पिक्यूल्स हो गए, पिपेट शेप्ड हो गए। तो मेगा जो स्केलरस या मेगा स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दो तरह के हो गए, पिपेट शेप और स्पैंडल शेप। और जितने भी स्पिक्यूल्स हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। तो कैल्शियम के बने, तो इसमें जो पिपेट शेप के स्पिक्यूल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पिपेट शेप के स्पिक्यूल्स जो हैं वो बड़े होते हैं और 3 से 5 mm लंबे होंगे, सीधे या कर्व होंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं सीधे, ये कर्व भी हो सकते हैं, मीन्स ये इस तरह से भी रहते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से कर्व, ठीक है। इस पे ये सारी स्पाइंस की रिंग हो गई, इस तरह से स्पाइंस, ये सब स्पाइंस इस तरह से इनके कंटक हो गए, यानी स्पाइंस हो गए, इस तरह से स्पाइंस की ये रिंग हो गई, सभी एक ही साइड में इस तरह से मुड़े हुए रहेंगे। तो ये थोड़ा सा और इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो ये कैसे हो गए, सीधे भी हो सकते हैं या कर्व भी हो सकते हैं, मुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो ये कैसे हो गए, पिपेट शेप स्पिक्यूल्स हो गए। दूसरे कैसे हैं, स्पैंडल शेप, ये उससे छोटे होते हैं, यानी पिपेट शेप से स्पैंडल शेप छोटे होते हैं, ये 1.5 से 2.5 mm लंबे होते हैं और इनमें बीच में फूला हुआ पार्टिमेंस, ये स्पैंडल शेप यानी तुर्क रूपी होंगे, यानी ऊपर पॉइंटेड होगा और नीचे पॉइंटेड होगा, बीच में थोड़ा चौड़ा होगा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये होते हैं, ये कैसे हैं, स्पैंडल शेप हो गया। तो ये जो हैं वो संख्या में अधिक होते हैं और साइज़ में कितने होते हैं, 1.5 से 2.5 mm तक ही होते हैं। नेक्स्ट स्पिक्यूल्स क्या था, माइक्रो स्केलरस। तो माइक्रो स्केलरस जो है ये बहुत छोटी होंगे और कितने होंगे, लगभग 40 माइक्रोन से 80 माइक्रोन लंबे होते हैं और ये केवल किस में पाए जाते हैं, टेस्ट में। ये तो पूरी बॉडी, हार्ट को छोड़ के पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ये सिर्फ किस में होते हैं, टेस्ट में पाए जाते हैं, चोल में पाए जाते हैं। और प्रत्येक में जितने माइक्रो स्केलरस हैं उसमें गोल हेड होता है, तो उसमें गोल क्या होता है, एक हेड होता है जिससे ये कैसे दिखाई देते हैं, आलपिन की तरह, ये आप देख रहे हैं ये रेड रेड बना हुआ है, ये कैसे हैं, माइक्रो स्केलरस हैं। तो इसमें ये गोल हेड हो गया जिसके वजह से कैसे दिख रहे हैं, आलपिन की तरह दिख रहे हैं। और इसमें ये इस तरह से ये जो देख रहे हैं ये इनके स्पिक्यूल्स जो है, यहाँ पर स्पिक्यूल्स लगे हैं। तो ये कैसे दिखेंगे, गोल हेड होने की वजह से आलपिन, यानी एक सिरा जो है इनका, एक सिरा जो गोल होता है, दूसरा सिरा कैसा होता है, पॉइंटेड नुकीला होता है, इस वजह से ये आलपिन की तरह दिखते हैं। अब इन स्पिक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्पिक्यूल्स जो हैं वो अंतःकंकाल की तरह काम करते हैं, यानी एक इनके इंडोस्केलेटन बनाते हैं जिससे उनको टेस्ट को जो है वो शेप मिलता है और मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक आलंबी दृढ़ जो है ढांचा बनाते हैं। तो स्पिक्यूल जो है एक इंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं जिससे टेस्ट जो है उन्हें एक सहारा, मजबूत सहारा मिल जाता है। और मेंटल को, जो मेंटल नीचे थी, मेंटल को टेस्ट से जो है मजबूती से जोड़े रखते हैं, क्योंकि स्पिक्यूल्स की वजह से मेंटल और टेस्ट दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, तो मेंटल को टेस्ट से जोड़े रखते हैं या उसमें जमाए रखते हैं। और क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को, चूँकि उसमें ढेर सारी मेंटल में क्या फैली है, ब्लड वेसल्स फैली है, तो स्पिक्यूल्स की वजह से थोड़ा उसमें गैपिंग हो जाती है, तो ब्लड वेसल्स को जो है
पिचकने में, यानी वो चिपके नहीं आपस, पिचके नहीं, दबे नहीं, तो दबने से बचाते हैं। और इनके स्पिक्यूल्स में अनप्लीजेंट स्मेल भी आती है, तो अस्वादिष्ट गंध आने की वजह से जो दूसरे एनिमल हैं, इनके जो शत्रु हैं हर्डमानिया के, वो इनके पास नहीं आते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, इनकी रक्षा के भी काम करते हैं, तो ये शत्रुओं से सुरक्षा भी करते हैं स्पिक्यूल्स। तो अब इनका ये हम फिगर में एक बार देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये टेस्ट का TS काटा गया है, चोल का TS काटा गया है, तो इसमें ये सब क्या है, मैट्रिस भरा हुआ, इनका जो ग्राउंड टिश्यू है यानी भरण जो पदार्थ है वो क्या है, मैट्रिस है। और मैट्रिस क्या होता है, मैट्रिस जो है वो जेलेटिनस यानी चिपचिपा थिकी जो है जेली जैसे मटेरियल होता है, तो वो किसका बना होता है, ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेक्राइड प्रोटीन और खनिज लवण का ये बना हुआ, ये क्या है, मैट्रिस है। इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स, ये सब देख रहे हैं जो आपस में इंटरलॉकिंग है, ये सब क्या, ढेर सारी इसमें ब्लड वेसल्स फैली होती हैं। और ब्लड वेसल्स के जो सिरे हैं, ये देखिए फूल के क्या बना लिए हैं, एम्पुली बना लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स के सिरे जो फूल के, ये सब जो है ये क्या बना लिए हैं, एम्पुली बना लिए हैं। और इसमें ब्लड होने की वजह सर्कुलेट होता रहता है, तो ब्लड होने की वजह से ये लाल लाल चक्कर, एम्पुली के पास जो है वो ज़्यादा ब्लड ढेर सारा वहाँ पर कलेक्ट रहेगा, तो वो लाल लाल चक्कतों के रूप में सरफेस से दिखाई देते हैं। अब इसमें बहुत ढेर सारी जो है वो कणिकाएँ होती हैं यानी सेल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, तो वो कैसी हो गई, एमीबॉयड हो गई, एमीबॉयड सेल्स हो गई, ग्रैनुलर सेल्स हो गई, आपकी स्फेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स हो गई, तो ये डिफरेंट टाइप के इसमें नर्व सेल्स हो गई, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। और क्या होते हैं इसमें, स्पिक्यूल्स होते हैं, तो स्पिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेगा स्केलर्स और दूसरा माइक्रो स्केलर्स। तो मेगा स्केलर्स जो हैं वो दो तरह के हो गए, यानी मेगा वाले जो स्पिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हो गए, एक कैसा पिपेट शेप यानी बीच में जो फूले हुए होंगे, और दूसरे कैसे होंगे, स्पाइंडल यानी तुर्क रूपी होंगे, यानी आगे और पीछे जो हैं वो पॉइंटेड होंगे, बीच में चौड़ा भाग होगा। जो माइक्रो स्केलर्स है यानी माइक्रो स्पिक्यूल्स हैं, उनका जो एक सिरा है वहाँ पे गोल घुंडी होगी, गोल सी ये घुंडी होगी, और दूसरा सिरा कैसा होगा, पॉइंटेड होगा। तो देखने में ये कैसे लगेंगे, आपके आलपिन जैसे का पेपर में लगाते हैं ना आलपिन, आप उस तरह से ये आलपिन की तरह से दिखेंगे। और ये टेस्ट जो है, और इस तरह से इसमें बहुत सारे फाइबर्स भी फैले रहते हैं, इंटरलॉकिंग आपस में फाइबर्स फैले होते हैं। तो ये तो इनकी संरचना थी। तो टेस्ट क्या काम करता है, टेस्ट जो है वो हर्डमानिया की सुरक्षा के लिए होता है, और क्योंकि इसमें स्पिक्यूल्स हैं तो शत्रुओं से ये स्पिक्यूल्स इनकी सुरक्षा करते हैं। और ढेर सारी ब्लड वेसल्स होने की वजह से, और नर्व सेल्स, इसमें नर्व सेल्स होती हैं, तो उनकी वजह से ये बॉडी को संकुचित कर लेते हैं। तो संकुचित जब बॉडी को करते हैं तो बहुत तेज़ी से जो इनके साइफन से, जो साइफन में अपाचर होते हैं उनसे पानी निकल, जैसे पिचकारी में आपने देखा है कि फेंका जाता है ना दूर, पिचकारी आप खींचते हैं पानी और फिर फेंकते हैं तो बहुत दूर जाके गिरता है, उसी तरह इनके ब्रैंकियल साइफन से जो पानी जो अंदर आता है वो एट्रियल साइफन से बहुत दूर जाके, जब बॉडी पूरी संकुचित होती यानी सिकोड़ी जाती है, तो तेज़ी से पानी या जितने पानी के साथ वेस्ट मटेरियल हैं, फीकस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जितने आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो सब बहुत तेज़ी से दूर जाके गिरते हैं। तो इसीलिए इसको हर्डमानिया को समुद्री फवारा या समुद्री पिचकारी भी बोला जाता है। तो टेस्ट इनके बॉडी की रक्षा करते हैं, एक्स्ट्रा जो है रेस्पिरेटरी या ग्राही अंग की तरह कार्य करते हैं, और शत्रुओं से इनकी रक्षा करते हैं, और बॉडी को संकुचित संकुचन करने में ये हेल्प करते हैं। थैंक यू।